फ्रेंड्स, वीवो रिसेंटली चाइना में वीवो X21s लॉन्च कर दिया है और गाइस जिस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो भी कुछ ही दिन पहले चाइना में ओप्पो K1 लॉन्च किया था और उससे काफ़ी कम प्राइस में और दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। इसीलिए आज इस दोनों फोन को फुल कंपटीशन करूंगा और गाइस मैं आपको बताऊंगा इस दोनों फोन से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है, कौन सा फोन के लिए आपको इंडिया में वेट करना चाहिए। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और गाइस बीच में वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, उम्मीद करता हूं आप लोग पूरे कर दोगे, उतना प्यार तो मुझे करते हो ना। गाइस मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुमन टेक्नो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, बात करते पहले दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। ओप्पो X21s में आपको देखने को मिल जाएगा ग्लास बैक, बैक साइड की तरफ ड्यूअल कलर ग्रेडिंग भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। ओप्पो K1 में भी आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा, ग्लास बैक, वाटर ड्रॉप नॉच, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक साइड की तरफ ड्यूअल कलर ग्रेडिएंट। गाइस बात करते दोनों फोन की परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर के बारे में। दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट जो कि एक octa-core चिपसेट है। 4 को रन करता है 2.2 GHz में Creo 260 के साथ एंड 4 को रन करता है 1.8 GHz में Creo 260 के साथ। इसका जो GPU है Adreno 512 GPU, गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में ही आपको सेम मिलेगा। गाइस बात करते हैं दोनों फोन की कैमरे के बारे में। Oppo K1 में आपको देखने को मिल जाएगा 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 एपर्चर के साथ आता है, यानी कि लोलेट में अच्छा खासा पिक्चर मिलेगा। वहां पे Vivo X21s में आपको देखने को मिल जाएगा 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा जो 12 मेगापिक्सल सेंसर OV 1.8 एपर्चर के साथ आता है, यानी कि कहीं ना कहीं Oppo K1 में आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। फ्रंट कैमरा में दोनों में ही आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो फ्रंट कैमरा सेम है। गाइस बात करते हैं दोनों फोन की बैटरी के बारे में। Oppo K1 में आपको 3600mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, वहां पे Vivo X21s में आपको देखने को मिल जाएगा 3400mAh की बैटरी। स्टोरेज की बात कर दो, Oppo K1 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB 64GB, 6GB 64GB एंड Vivo X21s में आपको देखने को मिल जाएगा 6GB 128GB वाला वेरिएंट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दोनों फोन की मेन पार्ट यानी कि प्राइस के बारे में। Oppo K1 का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट चाइना में लॉन्च किया है, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 17,000 रुपीज में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB वाला वेरिएंट 19,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। गाइस अब बात करते हैं Vivo X21s की। तो गाइस इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 26,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दोनों फोन से आपको कौन सा फोन के लिए वेट करना चाहिए। गाइस मुझे लगता है Oppo K1 के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि दोनों फोन में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, तो क्यों आप वेट करोगे Vivo X21s के लिए? ऐसे भी सबके राय अलग अलग होता है, आपको कौन सा फोन पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना एंड किसी भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना मत भूलेगा एंड उसके साथ सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल में लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।